भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स अब 6GB रैम वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि माइक्रोमैक्स कंपनी के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने एक वर्चुअल सेशन के दौरान इस बात का खुलासा किया। 6GB रैम के अलावा कंपनी के को-फाउंडर ने यह भी बताया कि इन सीरीज फोन पर लिक्विड कूलिंग और हाई रिफ्रेश रेट शामिल होने की भी संभावना है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ एक बैक कवर भी दिया जाना है। हालांकि जो ग्राहक इस फोन को खरीद चुके हैं उनके घर पर ये कवर अब दोबारा से डिलीवर कराया जाएगा। राहुल शर्मा ने इन नोट 1 को लेकर यूजर्स की कुछ चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फोन विंडीवाइन L3 सपोर्ट के साथ नहीं आता, हालांकि अगले प्रोडक्ट में विंडीवाइन L1 लाने की योजना है। उन्होंने यह भी बताया कि इन नोट 1 में रेनबो सीजी 01 प्रो ग्लास प्रोटेक्शन शामिल है। यह 8H हार्डनेस के साथ आता है और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 शामिल है। पबजी मोबाइल बैन होने के तुरंत बाद स्वदेशी गेम फौजी का ऐलान कर दिया गया था। अभी कुछ दिनों पहले गूगल प्ले स्टोर पर इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। फौजी के डेवलपर एनकोर गेमिंग ने ऐलान किया है कि 3 दिन के अंदर ही फौजी को 10 लाख से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन मिले हैं। आपको बता दें कि इसे अक्टूबर में लॉन्च किया जाना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी इसे टाल दिया गया है। फौजी का नाम भले ही पबजी का कॉपी लगता हो लेकिन डेवलपर ने जो गेम प्ले की तस्वीरें पोस्ट की हैं, उसमें ये अलग तरह का गेम लगता है। इसका थीम भारत चीन बॉर्डर पर हाल ही में हुए तनाव पर बेस्ड है। फौजी को बेंगलुरु बेस्ड एक गेमिंग कंपनी एनकोर गेम्स ने तैयार किया है। आपको बता दें इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर किया जा रहा है, एप्पल iOS के ऐप स्टोर पर नहीं। न्यूज़ तक ब्यूरो।